हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई होप सब अच्छा, मैं भी अच्छा है। तो गाइस आज जो हम लोग आया ना नाइट का व्यू देखने के लिए, यहाँ का एक रिवर फ्रंट है, तो नाइट का व्यू कैसे आता है आप लोग को देखाएगा। वो जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये तो एक रिवर फ्रंट है, छोटा सा नदी है वो यहाँ से, तो इधर से तो देख रहे हैं ना आप लोग। लाइटिंग जो देख रहे हैं ना, ये तो पूरा नदी का किनारे में जो रास्ता गया ना, यहाँ का लाइट है। तो आप लोग को भी वो भी देखाएगा, रास्ता कैसे किया पूरा देखाएगा, यहाँ से देखाएगा। तो अभी जस्ट यहाँ से शुरू किया है, तो आप लोग के पूरा देखाएगा तो बस कैसे है, तो मेरा वीडियो कैसे है, तो आप लोग कमेंट में बताएं जो नाइट का व्यू कैसा आता है और रिवर फ्रंट कैसे है। तो गाइस चलिए आप लोग को एक बार बैक कैमरा से देखाता हूँ कैसे है यहाँ का जो ये जो प्लेस है ना, मतलब पूरा टूरिस्ट प्लेस जैसा लगता है। बहुत बड़ा बड़ा आदमी आके इधर घूमता है, मतलब बैठ के खाना खाता है, इधर साइड ढाबा है, फिर बड़ा बड़ा फाइव स्टार होटल है, सब कुछ है उधर। पूरा नदी का किनारे में लेक होता है, यहाँ का बहुत अच्छा है। तो आप लोग को पूरा देखाएगा कैसे है, तो गाइस चलिए वीडियो शुरू कर दो। तो गाइस अभी जो देख रहे हैं ना, मैं आप लोग को बैक कैमरे से देख रहे हैं, तो इधर से देखिए एक बार तो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना पूरा, मतलब साबरमती नदी है ना, इसका किनारे में लो लाइटिंग पूरा रख करके रखा, और साइड में ढाबा है, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल है, सब कुछ इधर मिलेगा। और उधर से देख रहे हैं ना, वो हमारा अटल ब्रिज है, तो आप लोग को एक बार देख रहे हैं कैसे है। वो उधर भी जाएगा आप लोग को सब देखाएगा, अटल ब्रिज कैसे है, नाइट का व्यू कैसे आता है पूरा देखाएगा आप लोग को। गाइस आप लोग मतलब साथ में रहिए, और वीडियो जो अच्छा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरा चैनल पे जो नया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इतना मेहनत कर दो आप लोग को, रात 12 बजे 2 बजे घूम के आप लोग को प्लीज़ देखा था। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो इन तक ज़रूर देखिए, और शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए प्लीज़। वो आप लोग को बस मैं चाहता हूँ, देखिए एक बार जूम करके देखिए ना प्लीज़, जूम करके देखेंगे तो कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो गाइस अभी जाएगा हम लोग, वो जो आप लोग देख रहे हैं ना लाइट हो रहा है, उधर जाएगा और आप लोग को पूरा बगल से देखाएगा कैसे है, पूरा देखाएगा। उधर भी एक पार्क है, और नदी का किनारे किनारे घूमेगा हम लोग। जो समुंदर का साइड से रूट गया ना, ये जो देख रहे हैं ना वो जो रूट है ना, इधर का किनारे में घूमेगा, थोड़ा समुंदर का पानी से हाथ मुख धोगा, तो आप लोग को अच्छे से देखाएगा कैसे है पूरा सब कुछ कैसे है। गाइस आप लोग पूरा वीडियो देखेगा तो आप लोग को मज़ा आएगा, कि बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत मस्त लगता है इधर घूम के, ठीक है गाइस। तो गाइस फाइनली इधर आ गया साबरमती नदी का किनारे में, देखिए नाइट का व्यू कितना अच्छा होता है। ये तो पूरा साबरमती नदी है, बहुत अच्छा लाइटिंग है, बहुत अच्छा से करके रखा है पूरा, मतलब यहाँ आने का बाद जो है ना दिल में कुछ अलग सा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत आदमी है ऊपर में, तो बहुत आदमी है। सो हम लोग भी एक बार नीचे है, उधर से परमिशन लेके एक बार नीचे है, जो हम लोग एक ड्रॉप करेगा तो हम लोग को प्लीज़ उधर जाने के लिए दीजिए। तो बोला ठीक है जाओ, कोई बात नहीं है। तो एक बार आप लोग को देखा था वो कैसे। और गाइस एक बार देखिए मेरा पीछे का व्यू को कितना अच्छा था, कितना अच्छा लाइटिंग है, नीचे पानी है, साबरमती नदी है ना, इससे पूरा ऐसा अच्छे से किया है, लाइटिंग भी अच्छे से करके रखा। तो आप लोग को एक बार देखा तो बगल में जाके कैसे है। और इधर घूमने का बाद दिल में एक सुकून मिल रहा है, क्योंकि एक हवा होता है पूरा टाइम, ठंडा हवा होता है, जितना भी गर्मी होता है ना, तो एक हवा से ना आपको बदन को ठंडा कर देता है, इसलिए अलग सा फील होता है। इसलिए पूरा आदमी ऊपर में अच्छे से बैठ के हवा खा रहा है, लेकिन नीचे घुसने के लिए नहीं देते हम लोग, बात करके घुसा है जो छोटा सा ब्लॉक करेगा। तो आप लोग जो पीछे देख रहे हैं ना पूरा ब्रिज है, पूरा लाइटिंग सेटिंग बहुत अच्छा करके रखा है, अच्छा से बना कर रखा है, इसलिए मैं सोचा आप लोग को देखाएगा कैसे है। तो देखाएगा कैसे है पूरा वीडियो, और भी देखाएगा आप लोग को कैसे है। देखने के बाद फिर रूम जाना पड़ेगा, रात भी 2 बजने वाला है, फिर सुबह उठ के ड्यूटी में जाना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल होता है भाई। ब्लॉगिंग जो इधर करता हूँ ना भाई लोग, इतना इजी नहीं है, क्योंकि 12 घंटा काम करता हो, फिर सुबह 8 बजे उठ के ब्लॉगिंग करने के लिए आता हो, नाइट में जाता हो, फिर 12 बजे काम में जाना है, रात 11 बजे 12 बजे तक काम करके ब्लॉग करना है, बहुत तकलीफ होता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरा वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो ना लाइफ इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी। सो आपको
आपका ज़िंदगी जो इजी नहीं होता है, आपको इजी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत का बाद आपको मतलब अच्छा खासा मिलेगा, उसके पहले आपको कोशिश करना है। चाहे तो कुछ भी हो जाएगा, आपका नींद बर्बाद होगा, आपका जो हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, बॉडी भी, सब कुछ ख़राब हो सकता है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जब आप सक्सेस हो जाएगा तब आराम से यश करो, बिंदास करो, कोई बात नहीं। तो आप लोग को अभी दिखाएगा पीछे का कैमरा से पूरा कैसा है। तो गाइस चलिए, देखिए अभी साबरमती नदी का पूरा किनारे में पानी का बगल में, और देखिए पानी भी बहुत अच्छा से स्पीड में चल रहा है, और हवा भी है ना साथ में, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। हवा में सबसे अच्छा यहाँ का जो हवा है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब वो जो देख रहे हैं ना अटल ब्रिज, आप लोग को एक बार जूम करके देख रहा हूँ, देखिए कैसे बहुत अच्छा है गाइस, बहुत मज़ा है। आप लोग कभी आएगा तो यहाँ पे घूमने के लिए आना, ये जगह मिस करना है। सेम टू सेम टूरिस्ट प्लेस जैसा लगता है, पूरा टूरिस्ट प्लेस है। देखिए इधर से भी देखिए ब्रिज है, उधर वो ट्रेन रोड है, ट्रेन का रास्ता है उधर से, बहुत अच्छा जगह है। तो गाइस आप लोग को पूरा वीडियो देखा है कैसा एक जो साबरमती नदी है कैसा पूरा देखा है। आप लोग जो देख रहे हैं पूरा लाइटिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को घूम के, यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस तो आज का मेरा यही एक छोटा सा ब्लॉग था जो साबरमती नदी का है, लाइटिंग का है, कैसा है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग को मैं दिखाया पूरा वीडियो कैसा है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड एक शेयर कर दो, और मेरा चैनल पे नया है तो एक सब्सक्राइब कर दो। तो इस वीडियो से सबको बाय, देखा होगा नेक्स्ट वीडियो से।